चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू के पत्नीटॉप इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। शिवगढ़ की पहाड़ियों पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट की मौत हो गई है, जबकि दो लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। क्रैश लैंडिंग कराई गई पत्नीटॉप इलाके में और वहाँ पर जो पायलट है हेलीकॉप्टर का, उसकी मौत हो गई, जबकि दो लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धुंधली तस्वीर दिखा रहे हैं। हादसे के बाद जो इसमें घायल हुए हैं और मृतक जो पायलट है उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। सेना का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, हादसे में पायलट की मौत हो गई है, दो अन्य लोग जो हेलीकॉप्टर में सवार थे वो इसमें घायल बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस राजस्थान पर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। तो सेना का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ है पत्नी टॉप इलाके में। ये क्रैश लैंडिंग कराई उसने और पायलट की मौत हो गई, जबकि दो लोग इसमें घायल हुए हैं। सेना का ये हेलीकॉप्टर था। तो तस्वीरें आपके सामने, धुंधली तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं जो सेना के जवान इसमें मौजूद थे, तीन लोग इसमें बताए जा रहे हैं, दो घायल हैं, एक की जान चली गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जम्मू कश्मीर के पटनी इलाके में, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सेना का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, शिवगढ़ की पहाड़ियों पर यह क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट की मौत हो गई है, जबकि दो लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं।